सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। डेक्सोना टैबलेट जो कि जायडस कैडिला के द्वारा बनाई जाती है, एक स्ट्रिप में ये 30 टैबलेट रहती है, मतलब ये 30 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है, तथा इसके अंदर एक सिंगल मेलिकुल डाला गया है, डेक्समेथाजोन इसके अंदर डाला गया है, जो कि बहुत सारे केसेस में यूज किया जाता है, तथा इस टैबलेट को लेने से पहले आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड रहेगा। तो इस टैबलेट के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि इसको किन किन केसेस में यूज किया जाता है, तथा रिसेंटली इसको कोविड के केसेस में भी यूज किया जाता है, तो ये कोविड में कैसे इफेक्टिव है तो वो भी बात इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। जाइडस का ये डेक्सेनो टैबलेट जो कि यूज किया जाता है इंफ्लामेटरी कंडीशन में तथा ऑटो इम्यून कंडीशन में तथा कैंसर में इसको यूज किया जाता है, तथा ये जो टैबलेट है जो कि क्या कर देता है कि ये स्टेरॉयड है जो कि ब्लॉक कर देता है सर्टेन केमिकल मैसेंजर को जो कि रेस्पॉन्सिबल रहता है रेडनेस के लिए और स्वेलिंग के लिए तथा एलर्जी के लिए, तथा इस टैबलेट को अगर आप ज़्यादा ले रहे हो डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि आपको साइड इफेक्ट में बोन में प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है या मसल पेन हो सकता है, तथा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है आपको, तथा स्पाइनल में प्रॉब्लम हो सकता है, तथा आपका वेट गेन हो सकता है, तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है। डेक्समेथाजोन जो कि इसके अंदर डेक्सोन करके टैबलेट है जो कि स्वेलिंग रेडनेस और इंफ्लामेशन में काम करती है, तथा अभी के केस में ये कोविड में भी रिलीफ दे रही है, मतलब कोविड का स्टार्टिंग फेज है तो वहाँ पर भी ये काम कर रही है ऑटो इम्यून कंडीशन के अंदर। तो ये टैबलेट के बारे में आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।